द लल्लनटॉप क्विज शो। ये बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, सही जवाब है ये, सही जवाब। जैसे ही आप ये सुनते हैं लल्लनटॉप क्विज शो में, आपको लगता है कि ये जवाब मुझे पता था। अगर आपको पता है तो आप जवाब देने की बारी आपकी है, क्योंकि मैं खेलूंगा लल्लनटॉप क्विज लाइव लल्लनटॉप अड्डा पर तीनों दिन। आइए, आपका इंतजार है। लल्लनटॉप अड्डा 1, 2 और 3 नवंबर को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स नई दिल्ली में। वो दर्शकों को वो थप्पड़ कांड बताइए जिसका उनको इतना वो रहा कि बाद में उन्होंने जब लिखा एक सेट के थप्पड़ प्रसंग के बारे में तब भी याद किया। थोड़ा सेंसिटिव मैन, अनबिलीवेबल। मैं तो पढ़ के लग रहा था कि कितना पेशेंस, कितना वो अजीब उनके, बस ऐसे व्यक्ति बहुत कम पैदा होते, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, छोटी सी चीज़ उनको बहुत दिल में लगती थी। मेरी क्या थी कि मैं थोड़ा सा कश्मीर में, मुझे समझ नहीं आती थी मैं कहाँ हूँ। मुझे अपनी ग्रैंड मदर बहुत याद आती थी, जिनके साथ आप चपक के सो रहे हैं, जिंदगी उनके साथ एक ही बिस्तर में सोए, उनकी कहानियाँ सुनी। यहाँ सब इंग्लिस्तान स्टाइल था, सॉरी, पराठे नहीं मिलते थे, घर का मक्खन नहीं मिलता था, रसोई में ज़मीन पे बैठ के खाना नहीं मिलता था, फिर टेबल आ गया, फिर वो फ्राइड अंडे आ गए। 5 साल में जब डैड लौटे ब्रिटिश से तो पूरा वो अंग्रेजी, पूरा माहौल बदल गया सर। हाँ, तो मैं बड़ा आउट ऑफ प्लेस था, और मुझे माता जी बड़ी याद आती थी, भीषण जी याद आते थे, शीला जी, और रात को मुझे सपने आते थे। उन्होंने कहा अकेले कमरे में रहो आप भाई, ये रिवायत है वहाँ की बेच की, बड़े हो गए हो, ऐसे क्या है कि किसी के साथ चिपक के। तो मुझे रात को फिर सपने आए, मैं चीखूँ चिल्लाऊँ हर रोज़, और सारे पड़ोसी सुने, शबनम चिल्लाना शुरू कर दे, वो कहीं डर जाते, कहीं ये सारे वो तो नहीं आ गए, कबायली फिर तो नहीं आ गए, या यहाँ राइड्स तो नहीं शुरू हो गए। कश्मीर एक इलाका था जहाँ पे हिंदू मुस्लिम राइड्स हुए ही नहीं कभी, अमन का इलाका था वो। तो फिर डैडी ने एक बार बोला, दूसरी रात बोला, तीसरी रात बोला, बेटे सब ठीक है, डोंट वरी। फिर एक दिन वो जब बहुत ज़्यादा हो गया तो ने आहिस्ते से थप्पड़ मारा मुझे, पहली बार, इकलौती बार। हाँ, पहली बार अपने, मैंने पहली बार किसी से चांटा खाया, मुझे समझ नहीं आया, मैं दिखता रह गया, मगर उसके बाद मैं रोया नहीं, दूसरे दिन में भूल गया। यू आर शॉक्ड? आई वाज शॉक्ड बट आई स्टॉप्ड क्राइंग, और मैं भूल गया इस बात को। दूसरे दिन से मैं, मैंने कहा ठीक है यार, मगर जैसे कि मैंने आपको बताया, उनकी, उनके देहांत के बाद 1974-75 में उनके एक दोस्त थे सुखबीर, उसने एक किताब दी मुझे, मेरे विचार मेरे दृष्टिकोण, जिसमें उन्होंने अपने एसेज लिखे हुए थे, एक नहीं, एक गैर, मेरी गैर जज्बाती डायरी, उसमें पूरा एक चैप्टर था, उसका नाम ही था चपेड़ चांटा। उनको किसी बच्चे को 2 बीघा ज़मीन में चांटा मारना था, तो वो मार नहीं सकते थे, वो सिर्फ एक्टिंग करते थे। तो डायरेक्टर ने कहा नहीं, तो मारना पड़ेगा, सही चांटा मारो, तभी शंभू का रोल जीवंत लगेगा। हाँ हाँ, शंभू के रोल में, वो अपने बेटा जो रतन था, रतन ने रोल किया था, वो उसको चांटा मारते, मगर उन्होंने वहाँ लिखा कि मेरे से ये हो नहीं रहा था, क्योंकि मुझे अपने बेटे का, श्रीनगर का चेहरा मेरे सामने आ रहा था, वो मेरे सामने आ रहा था। सो दैट मीन्स कि मैं जिस चीज़ को भूल गया था, वो मुझे वो किताब पढ़ के याद आया कि हाँ, वो तो चांटा मारा था मुझे, मगर उनके साथ रही वो बात इतने साल तक, यू नो, दैट्स वेरी अमेजिंग। दूसरा बाप होता तो सोचता ही ना उसके बारे में। तुम मुझे टैलेंट दो, मैं तुम्हें मंच दूंगा। लल्लनटॉप अड्डे का मंच, मंच जिस पर खड़े होकर तुम गाना गा सकते हो, स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हो, मिमिक्री कर सकते हो, कोई मजेदार किस्सा सुना सकते हो, कविता सुना सकते हो। लल्लनटॉप अड्डा, जहां तुम पेंटिंग कर सकते हो, स्केच बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हारी कलाकारी को आसमान पर पहुंचा दे। साथ में जीत सकते हो मौके पर लाखों के इनाम। तो फिर आइए लल्लनटॉप अड्डे पर, दिखाइए
अपने हुनर का कमाल। लल्लन टॉप अड्डा 1, 2 और 3 नवंबर को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स नई दिल्ली में।